close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सेफ हो और अच्छे हो। सो आज मैंने ये कलरफुल सा आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। कैसा लग रहा है ये मेकअप लुक? अच्छा लग रहा है ना? बताना ज़रूर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर के बटन को प्रेस करके। साथ में छोटा सा बेल आइकन भी होगा, उसे भी हिट कर देना। सो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे ममा अर्थ का ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लूँगी और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, यू नो थोड़ा सा मैट फिनिश देता है आपको और आपकी पोर्स को भी अच्छे से मिनिमाइज़ करता है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर लूँगी और मेरा शेड है मीडियम बेज। ये काफ़ी अच्छा वाला कंसीलर है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होता है एंड इसका कवरेज भी बहुत ही अच्छा है, क्रीमी फिनिश है इसका। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेकोइड के का ये आईब्रो पेंसिल लिया है। टू बी ऑनेस्ट, ये इतना अच्छा आईब्रो पेंसिल मुझे नहीं लगा, ठीक है, इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है। आई नो मतलब आईब्रोज़ में इतना पिगमेंटेशन होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, उसके बाद मैंने उसी पेंसिल में एक्सफोलियाटर है उसकी हेल्प से मैंने आईब्रोज़ को कॉम किया है। नेक्स्ट मैंने वेट एंड वाइल्ड का प्रेस्ड कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपनी आई लीड को सेट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे SFR कलर का ये आई शेडो पैलेट लिया है एंड मैंने थोड़ा सा कैमरे को जूम किया है ताकि आप लोग अच्छे से आई मेकअप मतलब देख पाओ। तो उसमें से पीच कलर लेके मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। दिस इज़ माय ट्रांजिशन शेड। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे मर्स का 36 कलर आई शेडो पैलेट लूँगी। उसमें से ये डीप पिंक कलर लेके मैं अपनी क्रीज लाइन पे बफ करूँगी, थोड़ा सा क्रीज लाइन को इंटेंसीफाई करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये एक बेबी पिंक काइंड ऑफ शेड है, शिमरी शेड। इसे मैं एक स्पंज टिप एप्लीकेटर के हेल्प से अपने पूरे आई लीड पे अप्लाई करूँगी। ये आई शेडोज काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड शिमरी में है। ओके, उसके बाद सेम मैं डीप पिंक कलर को लेके अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कुछ भी हार्श एजेस एंड लाइन ना रहे। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये हुडा ब्यूटी का ग्लिटरी आई शेडो पैलेट लूँगी। दिस इज़ एकदम बकवास, मैं क्या बताऊँ, कितनी मशक्क़त के बाद लग पाया है फिर भी मुझे अच्छी फिनिश नहीं मिली। मतलब मेरी लाइफ की सबसे बकवास पैलेट है ये। आई नो ये ड्यूप है इसीलिए ही बकवास है, जो भी है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही कोशिश करने के बाद अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB का ये लिक्विड आईलाइनर लिया है इन दी शेड, मतलब मेरा शेड है ब्लू एंड इसकी हेल्प से मैंने एक लाइनर विंग लाइनर ड्रॉ किया है। तो ये वाला जो लाइनर है काफ़ी अच्छा लाइनर है और बहुत अच्छा फिनिश देता है आपको। इसमें बहुत सारे शेड्स भी आपको अवेलेबल है एंड अफोर्डेबल बजट में भी है। ओके, मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल किया है आईलैशेस कलर के हेल्प से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का ये मस्कारा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे कोई फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं किया है, मस्कारा का 2-3 कोट अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एलेगर्ल का ये वाइट काजल लिया है। ओके, नेक्स्ट बैक टू द फेस मेकअप। ओके, यहाँ पे मैं स्टेकवेयर के का ये लिक्विड हाईलाइटर मैंने अप्लाई किया है। अब मैंने बहुत दिन पहले से परचेस किया है इसे, बट कभी यूज़ नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो यू नो विद इन काइंड ऑफ ग्लो देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन लिया है। उसमें मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल लिया है विद सिल्वर लिप। इस दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई किया है। तो डॉट डॉट करके अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो
आप देख सकते हो मेरे फेस काफ़ी ज़्यादा ड्यूई लग रहा है क्योंकि मैंने वो हाइलाइटर अप्लाई किया था लिक्विड। नेक्स्ट मैंने सेम कंसीलर लिया है, अपने अंडर आई, नोज़, क्यूपिड्स बो, चिन, फोरहेड पे अप्लाई करूँगी एंड मेरी जॉ लाइन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी और मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ के ऊपर भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। उसके बाद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। ओके, उसके बाद मैं सेम वेट एंड वाइल्ड का प्रेस्ड कॉम्पैक्ट लूँगी, इसके हेल्प से मैं अपने अंडर आई एंड फेस को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। यू नो, क्रीज का प्रॉब्लम होता है तो इसलिए सेट करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपने नेक को भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँ, नेक पे भी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एसएफआर कलर का ये पैलेट लूँगी, इसमें से ये पिंक कलर का ब्लश लेके मैं अपने एपल्स ऑफ चीक्स पे अप्लाई करूँगी अपवर्ड डायरेक्शन में, एज यू कैन सी। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये वॉर्म टोन का जो ब्रॉन्जर है उसे अप्लाई करूँगी अपने हॉलोज ऑफ चीक्स पे एक एंगल ब्रश के हेल्प से। नेक्स्ट मैं अपने नोज़ को भी थोड़ा सा ब्रॉन्ज अप कर लूँगी और अपने फोरहेड एंड जॉ लाइन को भी। ओके, तो ना अच्छा लगता है ब्रॉन्जिंग करने से, आपका फेस बहुत ज़्यादा शार्प दिखता है। तो इसके बाद मैं अपने ब्रॉन्जर को थोड़ा सा, मतलब जहाँ पे मैंने ब्रॉन्जअप किया है उसको थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए अपने जॉ लाइन के ऊपर थोड़ा सा मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मालियाओ का इंस्टा ग्लो हाइलाइटर ब्रिक लिया है और ये सटल सा ग्लो देता है, काफ़ी अच्छा सा हाइलाइटर है, ठीक है। तो इसे अपने फेस के हाइस्ट पॉइंट पे अप्लाई करूँगी, यू नो, चीक बोन, नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो एंड चिन पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए यहाँ पे NY बेकर रनवे या ब्रॉडवे जो भी है वही मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम SFR कलर में से ये पिंक कलर का शेड लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा स्मच कर लूँगी एंड अपने इनर कॉर्नर को एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी सेम मालियाओ के हाईलाइटर के हेल्प से। उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए अप्लाई करूँगी ये NY बेक की रनवे लिपस्टिक और मेरा जो शेड है वो है 12। सो ये एक पिंक कलर का लिपस्टिक है। सो या, दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।